Assalamualaikum to all of you. This is Dua Khan. And this is Marv Takar Khan from DNM Vlog. So, आज है ईद का फर्स्ट डे और आज हमने बनाना था व्लॉग और इंशाल्लाह इन तीन डेज में बनाना था वी आर शूटिंग आर व्लॉग और इंशाल्लाह ताला हम ईद के थ्री डेज कम्प्लीट आउट हम करेंगे ताकि आपको पूरा ही प्रॉपर ईद हम अपनी दिखा सकें. एग्जैक्टली अभी यू नो हाफ पास लाइक अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, इट्स आफ्टरनून. और सो सुबह हम लोग नहीं कर सके व्लॉग क्योंकि हमारे सुबह कजन्स भी आए थे लेकिन हम लोग नहीं कर पाए व्लॉग. और अभी थोड़ी देर तक मामू आएंगे आई होपफुली क्योंकि इस पे लास्ट जो ईद थी उस पर गैदरिंग इतनी नहीं होती तो दिस टाइम बिकॉज ऑफ कोरोना एंड द सिचुएशन वाजंट इन आवर फेवर्स. तो बस हम लोग को उसके साथ बेयर करना पड़ा और अभी भी सरकमस्टेंसेस आर नॉट सेम लाइक बिफोर. जैसे कि हम लोग इजीली हर जगह चले आते थे चले जाते थे लेकिन इट्स नॉट एज बैड एज बिफोर. सो व्हाटएवर इट इज, सो बस अभी हमें इसी में यू नो चलना है और अपना ख्याल इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा होपफुली. और अब हम इंशाल्लाह इन तीन डेज में हम क्या करेंगे मैम, आप लोग के लिए व्लॉग करेंगे और जो भी हम लोग एक्टिविटीज में रहेंगे या जो भी हमारा क्योंकि लास्ट वीडियोस में भी इतने अनलाइक्स होते हैं, मतलब इतनी मेहनत करते हैं और देन इतने एकदम से आप अनलाइक करके पूरा दिल यू नो तोड़ देते हैं. दिल टूट्स. तो प्लीज कोई बात नहीं, खैर सब टू यू पीपल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो कि हाउ इज योर ईद और आपने क्या किया रहा है आपका, आप लोग ईद कैसे गुजरी और ये जो भी टाइम था आप लोगों ने कैसे घर पे स्पेंड किया. प्लीज डू लेट अस नो एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर फीडबैक्स ऑन आवर इंस्टाग्राम पेजेस अकाउंट्स के यू पीपल आर एक्सट्रीमली सपोर्टिव एंड वी आर थैंकफुल अ लॉट. सो अ वेरी हैप्पी ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम अस. और इंशाल्लाह हम अभी आप प्लीज स्टे ट्यून्ड इन आवर व्लॉग ताकि जो भी हम कर रहे हैं वो आपको दिखता रहे. सो गेट इनटू द व्लॉग. सो हेलो एवरीवन, और मैं हूँ अभी अपनी बेस्ट फ्रेंड मरियम के घर पे और शी इज़ सना, मरियम सिस्टर, और ये भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है. सो सना ने इतना कोई क्लास का भी लाइनर लगाया, लिट बेहतरीन वाला देख सकते हैं ये वाला. सो मैंने इसे बोला कि सना आई वॉन्ट द सेम ऑन माई फेस टू, तो अभी ये मुझे लगाने वाली है तो देखते हैं कैसे लगाती है. समा जाए हाय किसी के हाथ ना आए हाय जब वहां चल लहराए हाय आए बाहर तुझसे ओ जाना पूछूं पता तेरा लगती है कोई रानी क्या है तेरी कहानी दुनिया को दिखा देना ईद का लास्ट डे जो कि है द थर्ड डे. सो आज हमारा प्लान ये है कि हम लोग जाने वाले हैं आकोश वेलफेयर जो कि है सीनियर सिटीजन्स के लिए, ओल्ड एज होम है बेसिकली. सो कोरोना की वजह से दे नॉर्मली जगहों पे अलाउ नहीं है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो उनकी फाउंडर हैं जिनका वो पूरा सर्कल जो वहाँ पे रन कर रही हैं उनसे मेरी बातचीत थी तो शी सेड कि ओके आप लोग आ जाइए, मसले वाली बात नहीं है. तो अब हम जा रहे हैं वहाँ पे, मेंबर्स बहुत कम अलाउ कर रहे हैं क्योंकि वो ओल्ड एज होम है तो यू नो जो ज़ईफ़ लोग होते हैं उनको और ज़्यादा प्रिकॉशन फॉलो करनी पड़ती हैं और यू नो तो बस हम लोग बहुत लिमिटेड लोग जा रहे हैं आई गेस, मुझे मिला के 6 लोग हैं हम लोग. सो हम लोग जो जा रहे हैं ईद पे और
लेट्स सी कि क्या होता है. अभी पहले हम कुछ चीज़ें वगैरह लेंगे उनके लिए, फिर हम वहाँ पे इंशाल्लाह जाएंगे, आने वाले हैं. सो देखिए कैसा होता है, स्टे ट्यून्ड. दुआ और मैं आर एट द बैक सीट और सामने ये ड्राइवर हमारा है साथ बरोही, वन एंड ओनली साथ बरोही. कोई नहीं, ड्राइवर के साथ नहीं बैठते हम, सॉरी. ड्राइवर तो आगे ही बैठेगा और हम तो जी नहीं, तुम जाते हो कि रक्षी में, सॉरी आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर. और ये है हमारा ड्राइवर आज का. आपके चेहरों पे उनकी वजह से जो स्माइल आती है, दैट इज़ प्राइसलेस फॉर मी. आई होप आप लोगों के लिए भी होगा. सो आप लोग भी ज़रूर जाया करिए, बहुत एक इनर हैप्पीनेस और एक इनर पीस आपको फील होती है वहाँ पे जाने के बाद जब लोगों से आप मिलते हैं. तो बिकॉज क्वारंटाइन की वजह से और कोरोना की वजह से बहुत टाइम से लोगों के पास कोई मिलने नहीं आ रहा था, एंड हर जगह पर यही क्योंकि अलाउ नहीं कर रहे ना. एक तो ओल्ड एज होम है तो दे आर लाइक नियर टू दैट कि उनको बहुत जल्दी हर चीज़ इफेक्ट कर सकता है ना. सो इसी वजह से वो लोग किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे थे. तो हम लोगों ने भी सब SOPs को ख्याल रखते हुए सब चीज़ें करी. हम लोगों ने अच्छी तरीके से सैनिटाइजर हमारे पास था, मास्क हम लोगों ने पहने हुए थे, वहाँ पर जाके उतार दिए थे क्योंकि हम लोगों को ऑब्वियसली वहाँ पर से बात करनी थी. तो बस आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो. तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन बिलो डाउन सो यू कैन गेट द नोटिफिकेशन जब भी हम अपना कोई भी न्यू ब्लॉग पोस्ट करेंगे. और ये कि अपना ख्याल रखिए और हमें अपनी दुआ में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़.